तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? हम गौतम अदानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है, साबित हुआ या नहीं हुआ? जो है खड़े होना शुरू हो जाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। सर क्योंकि सेबी ने पहले क्या क्लीन चिट दिया, सेबी चीफ को ही अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है, साबित हुआ या नहीं हुआ? सर क्योंकि जब ये रिपोर्ट आई तो सेबी चीफ की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से स्पष्टीकरण दिया, कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कही उन्होंने। कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है ये तो। हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अदानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा।